बेतिया में बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने एक होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाई। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला। नितिन नवीन ने कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष के पास नेतृत्व का अभाव है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये अभी ये लोग तय नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने विपक्षी नेताओं को बेचैन आत्मा भी बताया। संजय जायसवाल जी का लगातार प्रयास होता था कि मेरे क्षेत्र में इन योजनाओं को स्वीकृति मिले, तो एक छोटे से विभाग से हम लोगों ने जो क्षेत्र के लोगों को माननीय सांसद जी की जो अपेक्षा थी उसको पूरा करने का प्रयास किया। लेकिन एक बड़ी योजना और है जिसका जिक्र मैं आज जरूर करूँगा, 727AA मनुआ पुल से लेके पनवा तजिया होते हुए उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली ये सड़क करीब 4,000 करोड़ की योजना स्वीकृति के हुई है और जिसमें 300 करोड़ रुपया लैंड एक्विजिशन के लिए भी बिहार सरकार ने दे दिया है। ये माननीय सांसद जी का विशेष प्रयास था इस सड़क को लेकर और कहीं ना कहीं खुद वो डिपार्टमेंट में बैठकर इसकी पूरी योजनाओं को अलाइनमेंट से लेकर चीज़ों को देखा और यही कारण है कि आज वो योजना माननीय नितिन गडकरी जी के माध्यम से शुरू हुई। हम कह सकते हैं कि देश की सेवा जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने की है उसी प्रकार से बेतिया की सेवा माननीय संजय जायसवाल जी ने की है और आज बेतिया की जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए मैं आया हूँ और मैं संजय जायसवाल जी हमारे बड़े भाई के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने इस क्षेत्र की जनता की समस्याओं को दूर करने का काम किया है, हम उम्मीद करते हैं कि 1 जून 4 जून को जब परिणाम आएगा तो बड़े अंतर से वहाँ इस बार भी जीतेंगे और भविष्य में बेतिया के विकास को और नया आयाम मिलेगा। तो आज आपकी प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं जनता से भी अपील करता हूँ, साथ ही साथ जो यहाँ के भ्रष्टाचारों की टोली चल रही है उस पर जो चोट नरेंद्र मोदी जी ने किया है निश्चित रूप से आने वाले समय में ये बेचैन आत्माओं को और भी भ्रष्टाचार पर चोट मिली है और कहीं भी माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं न हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे न बचाएंगे, तो आज इसी पर हम सब काम कर रहे हैं और 2024 का जब चुनाव संपन्न होगा तो कहीं ना कहीं फिर से लाल किले की प्राचीर में नरेंद्र मोदी जी आएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे लोक कल्याण विभाग योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि नितिन गडकरी एवं पश्चिमी चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के प्रयास से 700 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिली। डॉक्टर संजय जायसवाल के प्रयास से ही 4000 करोड़ की लागत से NH 727AA सड़क मनुआ पुल से पखनाहा बाजार होते हुए यूपी के तमकुही रोड को जोड़ने वाली सड़क को एनडीए की सरकार में स्वीकृति होने के बाद 300 करोड़ की राशि आवंटन हुआ। वहीं आखिर में नितिन नवीन ने डॉक्टर संजय जायसवाल के पक्ष में वोट देने की अपील की। बेतिया से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।